जो व्यक्ति यहां पर बैठे हुए हैं इनमें से एक मिसिंग है, रॉबिन सर, जो कि कल जा चुके हैं, उनका इंटरव्यू इसके बाद हम डाल देंगे। रॉबिन सर का जो कहना था कि पिछले 10 साल से वो काम कर रहे हैं, और करोल बाग में हम लोग मिले थे आनंद ऑटोटेक वाले जो इमरान सर हैं उनके थ्रू, और उससे पहले से वो मेरे को जानते थे, काफी सारे उन्होंने वीडियोस मेरे देख रखे थे। बहुत सारी चीजें जो यहाँ पर होती हैं उनको चीजें अट्रैक्ट करी, क्योंकि एक होता है 10 साल से आप किसी फील्ड में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, उनका बहुत अच्छा तरीका है काम करने का, बहुत अच्छी सफाई है उनके हाथ में काम करने की, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बहुत अच्छा खासा जानते हैं, बट उनका भी यहाँ पर आने का उद्देश्य ये था कि कुछ नया सीखना है और सिखा के ही ले जाए। आप सभी को नमस्कार, एमईए सर्विसेज अजमेर राजस्थान। रॉबिन सर है मुजफ्फरनगर से, आज रॉबिन सर को हमने सर्टिफाई करा है, और रॉबिन सर के अलावा 3 लोग और हैं जो कि एक गाड़ी को डायग्नोस्टिक करना है, यहाँ से ट्रक डायग्नोस्टिक करने बहुत दूर गए हुए हैं। रॉबिन वर्मा सर की ट्रेन है अभी, और सर ने 6 दिन यहाँ के पूरे कर लिए। सर इन 6 दिन का सिर्फ एक अनुभव बताइए, और हाँ आप जिसके लिए आए थे नॉलेज लेने के लिए, क्या वो मिल पाई या नहीं मिल पाई? सभी दोस्तों को नमस्कार, मैं रोबिन वर्मा मुजफ्फरनगर से। मैं सर के संपर्क में 1 साल पहले आया था, और अभी लास्ट टाइम एक्सपो में मिले थे, लास्ट टाइम का जो आनंद ऑटोटेक सर ने जो वीडियो डाला हुआ है उसमें भी सर है, रॉबिन सर वहां भी हम मिले थे। तो कहने का मकसद ये है, सर के यहाँ सबसे अच्छी जिसे ईसीएम ट्रेनिंग है वो इधर ही मिलेगी। मैं तो अपनी तरफ से जो मेरा एक्सपीरियंस है, 6 दिन मुझे ये नहीं पता लगा कब निकल गया यहाँ पे। ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग चलती रही, जो अपना हंसी मजाक रहना सब चीज, मतलब एक वो नहीं है कि गुरु और शिष्य वाली कहानी है, बिल्कुल फ्रैंक। 6 दिन 6 घंटे के बराबर है। अच्छा, 10 साल का एक्सपीरियंस सर को है, एसीएम लाइन में हो, मीटर लाइन में हो, इनके फादर के साथ भी ये काम करते हैं। मेरा जो हमेशा प्रोस्पेक्टिव रहता है उन लोगों को लेना का रहता है जो मेरे लिए चैलेंज हो। सर मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज थे कि इनको मैं सिखा पाऊंगा किस तरीके से, क्योंकि हर व्यक्ति क्या है बहुत एडवांस है अभी की डेट में, बट मेरा चैलेंज हमेशा रहता है। सर ने जनरली मेरे को बोला कि मेरे को सीखना है, मतलब सीखना है। 3 इंजन मैकेनिक सर के साथ है, और सर का काम इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड का है, उनका इंजन फील्ड का है, और उनको मैंने अभी डायग्नोस्टिक करने के लिए लगभग 12-15 किलोमीटर दूर मेरी कार लेके भेजा हुआ है। क्या आप जाके आओ, डायग्नोस्ट करके आओ, क्या दिक्कत है मुझे फोन पे बताओ, सिर्फ मैं माहौल वही क्रिएट कर रहा हूं अभी भी। क्या आप वहां जाके काम कैसे करते हो, मेरे साथ कनेक्ट कैसे होते हो? ये इसलिए आपको रोकने का रीजन नहीं आता। बस सर वो तो जाने के बाद संपर्क में देखो काम हो गया अपना अलग, जो पर्सनली एक संबंध होते हैं ना वो सबसे पहले हैं, और मेरा जितने भी लोग अधिकतर संपर्क में रहे हैं सबके साथ मेरा अच्छा व्यवहार रहा, सबके साथ संबंध मेरे अच्छे ही हैं। तो काम से अलग है संबंध, ये जिंदगी भर ये संभलना चाहिए, काम एक साइड में है और जो संबंध है वो एक साइड में, वे भी कभी खराब होने चाहिए, काम अपनी जगह है और संबंध अपनी जगह। सर एक क्वेश्चन मेरे को पूछना चाहूंगा मैं। जी सर। यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी, इन शॉर्ट आप बता सकते हो तो बताओ। सब एक एक वर्ड में कहूंगा, टॉप क्लास। दूसरा, यहाँ की नॉलेज, क्या यहाँ की नॉलेज जैसी नॉलेज कहीं और कोई इंस्टीट्यूट जितने भी चल रहे हैं जी। कोई दे सकता है या नहीं? मुश्किल है, बहुत मुश्किल। सर 3 महीने बाद वापस आएंगे, 90 दिन में इनको मैंने टाइम दिया है, 90 दिन आप काम करो, जितना हो सके उतना काम करो, मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा। ये अभी जाएंगे अपने घर, परसों से मैं कनेक्ट हूंगा फोन पे, और मेरा फोन रात को 2 बजे तक चलता है, दिन में 12 से रात को 2। ये एक्सपीरियंस इनका ज्यादा अच्छा रहा है यहाँ का। देखो अपनी टीम में जो बंदे हैं ना, अभी वो गाड़ी डायग्नोस करने गए हैं और मेरी ट्रेन है तो वो अभी यहाँ पे है नहीं। मुझे नहीं लगता कोई घर बंद उनकी जगह होते हैं तो इतना मजा आता, जो फ्रेंडली बंदे हैं, मतलब फुल मस्ती फुल काम। मेरा बैच बनाने का तरीका बहुत अलग रहता है, तो इसलिए इन सबको एक दूसरे के साथ मजा आया काम कर। बिल्कुल बिल्कुल। और आप यहाँ के लिए कुछ कहना चाहते हैं, कोई ऐसी बात जो आपको लग रहा हो कि हाँ कहनी चाहिए? बस इतना कहूंगा, देखो घर तो जाना ही है पर वो है जोर पड़ रहा।